हेलो एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मी होम कुकिंग में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक सुपर टेस्टी और हेल्दी डोसा की रेसिपी। ये डोसा देख के आपके दिमाग में आया होगा कि ये मैंने किस इंग्रेडिएंट से बनाया और क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना सुपर और टेस्टी डोसा यहाँ पर दिख रहा है। मार्केट में अभी ताज़े और फ्रेश बीटरूट अवेलेबल है, बट इसे बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश बीटरूट लिए और इसमें से मैंने दो बीटरूट को यहाँ पे अच्छे से पील करके बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। बिल्कुल ताज़े बीटरूट आप यहाँ पे लें तो उसका जूस और कलर भी बहुत अच्छा आता है बैटर में। तो बीटरूट को हम लोग कैसे अपने डाइट में यूज़ करें, जैसे कि हम लोग उसे खा सके, बच्चे भी खा सके और उसका जो हेल्दीनेस है वो हमें मिल सके। बीटरूट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अभी डेली लाइफ में, जिस तरह के हम लोग लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं उसमें आयरन विटामिन की बहुत सारी हमें ज़रूरत है, इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत है। तो बीटरूट में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ बीटरूट से ही डोसा हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीटरूट का जो टेस्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसे बच्चे पसंद नहीं करेंगे, तो हमें उसमें कुछ अलग से ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है और धनिया। ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने से हमारा डोसा बहुत ही टेस्टी बनेगा और जो बीटरूट का जो अर्थी टेस्ट होता है, स्मेल है, वो भी डोसा में नहीं आएगा और बच्चे भी इसे आसानी से खाएंगे, क्योंकि हमें टेस्ट के साथ हेल्थ भी मेंटेन करना है। अगर आप यहाँ पर मिर्ची नहीं लेना चाहते, बच्चे तीखा नहीं खाते, तो आप मिर्ची को ना डालें, बाकी इंग्रेडिएंट्स डालें तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। यहाँ पे मैंने मिक्सचर जार लिया है, अभी सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है, इसकी एक फ़ाइन प्यूरी बना लेनी है। इसका मैं जूस यहाँ पे नहीं निकालूंगी, क्योंकि मुझे पूरी फाइन प्यूरी बैटर में यूज़ करनी है। धनिया, अदरक और लहसुन इसमें ज़रूर डालें, अगर मिर्ची नहीं डाली तो चलेगा, धनिया से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप सारे इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से लें। अब इसे हम लोग अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, पानी की जैसे ज़रूरत लगेगी आप उसके हिसाब से डालें, क्योंकि बीट तो यहाँ पे फ्रेश है तो उसका जूस निकलेगा। ज़्यादा पानी पहले ही ना डालें, जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको ऐसे फाइन पेस्ट बना लें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐसे अच्छे से पीस लिया है। इसमें बिल्कुल एक बात ध्यान रखें कि इसमें जो बीटरूट के बारीक टुकड़े बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हम लोग इसे बाद में बैटर में ऐड करेंगे जब डोसा बनाएंगे। जब अगर टुकड़े होंगे उसके बीटरूट के या किसी भी चीज़ के, तो डोसा हमारा अच्छे से बनेगा नहीं। यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल डोसा बैटर होता है वो लिया है। आप चाहे तो इडली का भी बैटर भी बचा हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी डोसा बनता है अच्छे से। तो इस बैटर को मैंने बचा के रखा था, जो पहले मैंने डोसा बनाया था उसी का बैटर मैंने यहाँ पर बचा के रखा था। तो अब ये जो आपने प्यूरी बनाई है बीटरूट की, वो इसमें डालेंगे। मैं इसमें दो दो चम्मच डाल रही हूँ, आपको जितनी लगेगी प्यूरी, जितना आपका बैटर है उसके हिसाब से आप डालें। प्यूरी थोड़ी ज़्यादा ही डालें तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। मैं पहले यहाँ पे 3 से 4 चम्मच प्यूरी डाल ली है, उसे अच्छे से पहले मिक्स करूँगी, अगर लगेगा तो बाद में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक बैटर में पहले से ही था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम स्मूथ बैटर बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है, अच्छे से मिक्स हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ताज़े और फ्रेश जूसी बीटरूट लिए थे। इसमें फ्रेश बीटरूट लेंगे तभी उसका जूस अच्छे से उतरेगा और कलर भी बहुत ही आएगा। मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम फाइन बैटर बन गया है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। मैंने यहाँ पर पहले से ही तवा गर्म करने रखा है, तवे को अच्छे से मीडियम हीट पर गर्म करना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद ही बैटर डालें और फिर सेम नॉर्मल प्रोसेस के से ही हम लोग डोसा बनाएंगे। आपको लग रहा होगा कि जो बैटर हम लोगों ने बनाया है बीटरूट के प्यूरी से, उससे डोसा हमारा निकलेगा या नहीं, बट यकीन मानिए डोसा हमारा निकलता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। सेम वही बनता है जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं, वैसे ही डोसा बनता है क्रिस्पी। ऊपर से आप तेल या बटर लगा दें, आप चाहे तो बिना तेल और बटर के भी बना सकते हैं, और 2 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे छोड़ देना है। आप देख सकते हैं अपने आप ही मूव हो रहा है, मैंने तो इसे निकाला भी नहीं है, इतना मस्त यहाँ पे डोसा हमारा बन गया है। आप चाहे तो इसे ऐसे पलटते पलटते हुए भी सेक सकते हैं या ऐसे ही निकाल सकते हैं। नीचे की लेयर आप देख सकते हैं बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और एकदम बढ़िया शेप में बनी है। आप देख सकते यहाँ पर क्रिस्पीनेस। 1 मिनट के उसे हम लोग पलटते पलटते हुए सेकेंगे। तो यहाँ पर तैयार है हमारा हेल्दी और टेस्टी बीटरूट डोसा। तो दिख रहा है ना यहाँ पे बहुत ही टेस्टी और ब्यूटीफुल डोसा। इसी से प्रोसेस से हम लोग बाकी के डोसे भी बना लेंगे, बहुत फटाफट और इजीली निकल जाते हैं डोसा।
तो तैयार है हमारे यहाँ पे हेल्दी और टेस्टी बीटरूट डोसा। इस डोसा में मिर्ची और नमक दोनों थे, तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना चटनी के, बच्चे ऐसे भी खा सकते हैं सिर्फ सॉस से। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे मिनी डोसास भी बनाऊंगी, जैसे नॉर्मल बैटर से बनाते हैं, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। छोटे बच्चों को उनके हिसाब से जो चीज़ें देते हो वो बड़े पसंद से और प्यार से खाते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा बटर और तेल लगा लूँगी और 2 मिनट के छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ईजीली यहाँ पे निकल रहे हैं हमारे मिनी डोसा और दिखने में बहुत ही बढ़िया खूबसूरत लग रहा है, बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ आइडिया बना लगाएंगे और सोचेंगे और बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्दी नाश्ता इस तरह से बना के देंगे, तो बच्चे आसानी से खाएंगे और हमारा जो ज़्यादा बच्चों को बनाने का और उनको खिलाने का एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो तैयार है हमारे यहाँ पे बड़े और मिनी डोसास। आप देख सकते हैं डोसा बनाने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो गए और कितने बढ़िया दिख रहे हैं, बिल्कुल प्यारा कलर और एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। आप इसे सॉस, हरी चटनी जो भी पसंद है आपको उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ बच्चों के मिनी डोसास, बहुत ही बढ़िया और क्यूट दिख रहे हैं। बच्चों को टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ दे, जिनको जो पसंद है। हम देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं बच्चों, तो इसे आसानी से खाएंगे उनको बिना फोर्स किए। तो आप सभी इस हेल्दी बीटरूट डोसा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और हेल्दी रहे। अगर आपको ये डोसा की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।